हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम तेली बनाने वाले हैं, जिसको खुजरी, पीयूष, चिका अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जानते हैं। तो यह गाय की तेली अमृत के समान होती है। आपने देखा होगा कि जब गाय और भैंस को बच्चा होता है या गाय जनती है तो 2 से 3 दिन येलो कलर का गाढ़ा दूध देती है। तो यह दूसरे दिन की तेली है। हमारे यहाँ इसको तेली खुजरी कहते हैं और यह बहुत हेल्दी होती है शरीर के लिए। तो बिल्कुल कम इंग्रेडिएंट से मैं आपको तेली बनाना बताऊंगी। तो 1 लीटर हमने तेली ले लिया है, उसमें 1 कप बारीक करके गुड़ डाल दिया है। और मुझे गुड़ कम लग रहा था तो मैंने बीच में और भी गुड़ ऐड कर दिया है। यह मेरी माँ है, मेरी माँ ये सब चीज़ें बनती हैं तो बहुत इंटरेस्ट लेती हैं। यह चीज़ें अधिकतर वो ज़्यादा बनाती हैं। तो आपने देखा होगा, आजमाया होगा कि ये कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे बड़े बुजुर्ग बड़े शौक़ से बनाते हैं और बड़े अच्छे से, जितना अच्छा हम नहीं बना पाते। तो ये मिक्सचर को हमने अच्छे से मिक्स करने के बाद बड़े बर्तन में इसको छान लिया है, ताकि जो भी इसमें कचरा वगैरह होता है गुड़ में वो सब अलग हो जाएगा छानने के बाद। और इसी गुड़ में जो बचा था गुड़, तो उसी में हमने लगभग 250 ग्राम नॉर्मल गाय या भैंस का जो भी दूध होगा ना, तो वो इसमें मिला लें, क्योंकि ये तेली दूसरे दिन की थी तो ये ज़्यादा गाढ़ी है, इसलिए हमने इसमें थोड़ा सा दूध भी ऐड किया है। और एक कढ़ाई में आधा कढ़ाई करीब पानी ले लिया है, इसको गर्म होने देते हैं। और जिसमें हमने तेली को पहले से छाना था, तो उसी बड़े बर्तन में इस मिक्सचर को भी छान लिया है। अब इसको चेक करके देख लेते हैं, यदि इसमें कम मिठास लग रही है तो इसमें ऊपर से चीनी पाउडर डाल सकते हैं। इसमें गुड़ डालते हैं दोस्तों तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो गुड़ तो हमने ऑलरेडी डाल दिया है। आप यदि तेली बना रहे हैं तो आधा गुड़ और आधा चीनी डालकर भी बना सकते हैं। अब कढ़ाई में पानी गर्म हो रहा है, तो पानी ज़्यादा लग रहा था तो थोड़ा सा पानी निकाल लेते हैं। कढ़ाई में उतना ही पानी रखना है जितना कि पानी में उबाल आ जाए और अच्छे से तेली बन जाए। बहुत ज़्यादा पानी नहीं रखना है कढ़ाई में, नहीं तो जब उबाल आता है ना तो कढ़ाई से बाहर जाता है, पूरा पानी गिरता है। तो तेली वाले बर्तन को कढ़ाई में रखने के बाद उसे बड़ी थाली से ढक दिया है और इसको लगभग 20 से 25 मिनट गैस का फ्लेम फुल करके पकने देंगे। पानी में अच्छे से उबाल आना चाहिए इस तरीके से, और इसमें चम्मच बिल्कुल नहीं चलानी है। और लगभग 20 से 25 मिनट बाद इसको खोल कर देखेंगे तो ये देख रहे हैं कि ये जम गई है। तो इसको चेक करने का तरीका यह है कि आपके पास कोई भी लकड़ी या सीख वगैरह होगी तो उसको इसके ऊपर खड़ा करेंगे, तो ये खड़ी हो जाना चाहिए। यदि ये लिक्विड होगी तो ये लकड़ी गिर जाएगी ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पर ये लकड़ी स्टेबल है, यानी कि ये हमारी तेली जम गई है। अब लकड़ी को हटा दिया और गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है, और इसको लगभग 5 से 10 मिनट ऐसे ही कढ़ाई में रखे रहने देंगे गैस बंद करने के बाद भी। तुरंत तुरंत इसलिए नहीं निकालते हैं क्योंकि ये हिल जाएगी और अच्छे से जम नहीं पाएगी जो केक की तरह जमी है। तो इससे हल्का सा पानी भी रिलीज़ हो गया है। अब इसको कढ़ाई से नीचे उतार देते हैं और इसको ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडी हो जाएगी उसके बाद खाने में बहुत अच्छी लगती है, दोगुना इसका टेस्ट इन्हेंस होता है। तो अब इसको निकाल लेंगे खाने के लिए। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने वीडियो शूट भी नहीं किया था और पहले ही खाने लगे थे, तो मैं वो वीडियो नहीं बता पाई आपको कि कैसे दिख रही थी, कैसे निकालते हैं। तो ये बिल्कुल केक की तरह बनती है और खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होती है और बड़ी से बड़ी बीमारियों को जड़ से ख़त्म करती है तेली। तो आप इसे ज़रूर खाएँ यदि नहीं खाते हैं तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें।